चलें। आप आज इधर आए हैं, जो शेख साहब का जो मोटिवेशन था, किस चीज ने आप लोग को इधर आने में मजबूर किया? यहाँ पे हमें मोटिवेट यही करते हैं कि जैसे आप देखते हो कि हमारी जो ओल्ड जनरेशन है उससे हमें हिस्ट्री जो है पता चल जाती है कश्मीर की, कि हमारी कश्मीर के पीछे क्या हिस्ट्री है, शेख अब्दुल्ला के जो यहाँ पे क्या हमारे सेक्रीफाइस रहे कश्मीर के लिए। हमें शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे लैंड टू टेलर प्रोवाइड किया है, एंड जो भी हमारे अभी राइट्स रहते हैं सब हमें उन्हीं की वजह से आते हैं यहाँ पे। सो ये चीज दिमाग में रख के हम यहाँ अपनी यादगारी के लिए आते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यंग जनरेशन से ज्यादा यहाँ पे ओल्ड जनरेशन दिखेगी, क्योंकि दे नो द ऑल सेक्रीफाइस जो भी यहाँ पे जो है शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे हमारे लिए किए थे, उसी को याद में रह के यंग जनरेशन भी यहाँ पे जो है इंस्पायर होती है आगे यहाँ आने के लिए और जानने के लिए और हिस्ट्री, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड ऑल कश्मीर। आपका मैसेज क्या रहेगा आज लोगों को? मेरा मैसेज ये रहेगा, मतलब अभी तो हमारा यहाँ पे एक इवेंट है, एक हम देखेंगे तो हमारे एक यादगारी का दिन है, बट आगे जो इलेक्शन होंगे इलेक्शन में वो आपके जहन में ऑल दिस जो भी पार्टीज जो भी इतनी अभी कश्मीर में पार्टीज प्रेजेंट है उनके सेक्रीफाइस देखे और अपने अच्छे के लिए फिर उनके लिए अच्छा जो भी होगा उनको वोट दे। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें सेक्रीफाइस जाने कि अपनी पार्टी हमारी पहले से वही होती आई और सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।